हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक ऑयल शेयर करूँगी जो हेयर ऑयल है, वो बहुत ही अच्छा है। आप इसको रोज बना, मतलब जब भी आप लगाएं तो उसको आप बना सकते हो। बस किसी भी ऑयल के साथ आपको बना लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस ऑयल को। उसमें दो चीज़ें और मिलानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, जो मैं बता दूँगी अभी। और ये हेयर ऑयल आप लोग कभी भी लगा सकते हो, लेकिन आपको मंथ में, पूरा मंथ में आपको 4 वीक्स तो आपको लगाना ही है। आप 2 बार अगर वॉश करते हो बाल में, हेयर वॉश करते हो, तो आपको लगाना चाहिए। और वो आप लगाएंगे तो आपके बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होगा, आपके हेयर लॉन्ग होंगे, थिक होंगे, और जो डलनेस होगी बालों में वो नहीं होगी, और आपके बाल स्मूथ और शाइनी भी हो जाएंगे। और ये हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा है। और जो ये हेयर ऑयल के बाद आप 2 घंटे रखिए, 2 घंटे के बाद आप 2 घंटे रखना चाहे 2 घंटे भी रख सकते हो, और अगर चाहे तो आप रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद आपको जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो आप उसको यूज़ कर लीजिए, और आप कंडीशनर भी ज़रूर लगाइए। कंडीशनर करने से आपके बालों की अच्छा रहता है, आपके बालों को एक तरह का इसकी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है अगर आप कंडीशनर भी करते हैं तो अपने बालों पर। और आपको सिर्फ लेंथ पर ही लगानी होती है कंडीशनर, ये तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ कि सिर्फ लेंथ पर ही लगाना होता है कंडीशनर, आपको स्कैल्प से नहीं लगाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है, फिर देखते हैं इसको लगाना कैसे है। इस ऑयल के लिए चाहिए, जो हेयर ऑयल मैं बना रही हूँ उसके लिए चाहिए मुझे आलमंड हेयर ऑयल, जो ये आलमंड स्वीट आलमंड ऑयल है ये, तो मैं ये ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, मैं इसको ही ट्राई कर रही हूँ। बस इतना ही मैं लूँगी अपने बालों के लिए। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं थोड़ा और डालूँगी और मैं इसमें मिलाऊँगी जिंजर और अनियन का जूस मिला रही हूँ मैं। मैंने 1 इंच जिंजर का टुकड़ा लिया था और आधा ही अनियन लिया और उसका जूस निकाल लिया है। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जूस को कैसे निकालना है, आप लोग भी निकाल लोगे, बना ही ले सकते हो। तो इतना मुझे पूरा ये इसमें मिला लेना है। आपके इससे बाल बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ भी बढ़ाएगा ये हेयर ऑयल, और आपके जो बाल झड़ते होंगे, जो गिर रहे होंगे बाल, वो भी इससे नहीं गिरेंगे, बाल बंद हो जाएंगे बिल्कुल हेयर फॉल होना। और ये इसको आपको ऐसे ही डबल बॉयलर पे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको, बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए इसको। जैसे ही मिक्स हो जाएगा, वैसे तो होता नहीं है, पानी के साथ, पानी है क्योंकि ये जूस है, तो ये ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा, लेकिन आप बॉयल पे गर्म पानी के साथ करेंगे डबल बॉयल तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको चलाते रहना है। और अब तो समर आ गया है, मौसम ही चेंज हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छे से इसमें रख दीजिए। कम से कम 5 मिनट्स आप इसको रख देंगे इसमें तो ये अच्छा काम करेगा। इससे आपके बालों की लेंथ तो बढ़ेगी ही, लेकिन अगर ये आप गर्म लगाते हैं थोड़ा सा वॉर्म करके, तो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैंने आलमंड ऑयल लिया है, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, आप सरसों का ऑयल ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो ऑयल ले सकते हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, फिर मैं लगाने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है इसको। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे बालों को पार्टीशन कर लेना है अपने बालों का, और फिर आपको अच्छे से एक एक बाल में आपको लगाना है इस तरह से डिवाइड कर करके। तो इससे क्या होगा, और आपको पहले से ट्रायंगल फ्री कर लीजिएगा बालों को, फिर आपको, क्योंकि नहीं तो फिर बाल में ट्रायंगल रह जाते हैं तो बाल बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं बाल। इसलिए देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। आपको अच्छे से मसाज देनी है, 15 से 20 मिनट आपको अच्छे से मसाज करनी ही करनी है अच्छे से, क्योंकि क्या होगा, इससे आप अच्छे से मसाज करेंगे तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से बढ़ जाएगा और आपकी हेयर तो बढ़ेंगे ही इससे, क्या, और
जो आपके जो भी बालों में कोई प्रॉब्लम होगी वो भी इससे दूर हो जाएगी। आपके बालों में अगर डैंड्रफ होगा तो वो भी इससे धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। आपको इसको ये वाला ऑयल 4 वीक्स तो आपको लगाना ही लगाना है, कंफर्म करके आप इसको लगाइए और आपकी हेयर लेंथ जरूर बढ़ेगी। क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। आप इस तरह से इसको पहले ऐसे लगा लीजिए, पहले मैं सारे बालों में लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं इस तरह से मसाज करूँगी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे से फिंगर से करनी है, आप नेल से मत कीजिएगा और इस तरह से भी नहीं रगड़ना है, बस इस तरह से हल्के हल्के मसाज देनी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ है और टूटते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक हैं आपके बाल, तो आप क्या करिए कि आप बस इस तरह से ही मसाज करिए अपने बालों में, तो आपके बाल इससे टूटेंगे भी नहीं और मसाज भी अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से आप हल्के हाथों से इस तरह से लगाइए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, टूटते हैं, बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप एक ही बार में आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह से कितना अच्छा काम कर रहा है आपके बालों पे। हेयर की लेंथ तो बढ़ाएगा ही, लेकिन आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जो आपके हेयर फॉल हो रहा होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट एप्लीकेशन में ही। इस तरह से आपको लगाते जाना है। ये चाहे बॉयज़ लगाएं या गर्ल्स, कोई भी लगा सकता है, इसे बच्चे भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो इतना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, गर्ल्स लगा सकती हैं, गर्ल्स तो छोटी लड़कियां जो होती हैं तो उनको बाल बढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत अच्छा लगता है उनको कि बाल लंबे लंबे हों, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है इससे। और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, आपके पास जो भी ऑयल हो, जो अवेलेबल हो, अगर आपके पास बादाम ऑयल नहीं है, स्वीट आलमंड ऑयल नहीं है, तो आप सरसों का ऑयल भी लगा सकते हैं, मैंने बोला आपको। आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वो वाला ऑयल ले सकते हैं, बस इसमें ये जो दो चीज़ें मैंने इसमें जो डाले हैं जूस, वो आपको ज़रूर डालने हैं, इससे आपके बालों का टेक्स्चर जरूर चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे लगा लीजिए आप इस तरह से और मसाज कर लीजिए और एक बन बनाकर छोड़ दीजिए रात भर के लिए, या फिर आप 2 घंटे के लिए भी इसको आप रख सकते हो। 2 घंटे रखना है तो आप 2 घंटे रख लीजिए, अगर आप रात भर रख सकते हो तो इससे बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। इसलिए चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ, वॉश करने के बाद मिलूंगी मैं आपसे। तो गाइस, आप लोग ने देख लिया है कि इसको किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह लगाना है, बहुत आसान है। आप इस ऑयल को ज़रूर लगाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ गाइस, अगर ये आपको जब आप वॉश कर लेंगे और कंडीशनर भी कर लेंगे, तो आपको आप जो भी सीरम आप यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं तो लीवॉन का यूज़ करती हूँ, अगर आप भी करना चाहते हैं तो लीवॉन का यूज़ कर सकते हो। और हाँ, ये मैंने कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि आप हेयर ऑयल बताइए, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने और भी ऑयल मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से ऑयल इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि बहुत मार्केट में ऑनलाइन में भी बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आ रहे हैं ऑयल, और ये ऑयल आपको बहुत ही कम रेंज में आपका बन जाएगा। और जब भी आप बनाएं तो ये आराम से बस 2 चीज़ों के साथ बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, हफ्ते में 2 बार इसको अप्लाई कर लीजिए, और आप जब इसको अप्लाई कर लेंगे तो वाह, बहुत ही अच्छा, मेरे एक भी बाल नहीं टूटा है। मैं बहुत दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है, इसलिए मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है मैंने।
मैं पहले भी इसको लगाती थी, पर इसकी जो स्मेल है तो अब अगर आती है तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो सहन कर ही सकते हैं। अगर इतना अगर आपको बाल अच्छे चाहिए अपने, तो हेयर आप थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ेगा बालों के लिए। इसलिए चलिए फ्रेंड्स, मैं अब जाती हूँ और आप इस ऑयल को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय। और अगर आप मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो को नया देख रहे हैं, मेरा चैनल नया खोले हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसको एक बार ही हिट करना है, 2 बार मत कीजिए, 2 बार करेंगे तो वो डिसलाइक हो जाएगा और सब्सक्राइब नहीं होगा फिर वो। और सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ एक बार ही हिट करना है, और लाइक करने के लिए भी एक बार ही हिट करना है, बस इससे ज़्यादा और नहीं करना है आपको। और ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आप लोग प्लीज़ करिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, बाय।